सो गाइज, ये सालवाड़ी रिसोर्ट है। जैसा कि हम पिकनिक आए हैं यहाँ पर, तो इधर जो नदी दिख रहा है ना, छोटा सा नाला, उधर हम लोग पिकनिक कर रहे हैं। और सामने है जंगल, और ये अभी अभी नया बना है। ये कुछ सालवाड़ी रिसोर्ट है इसका नाम। आप लोकेशन देख सकते हैं, बेलपहाड़ी। हम पिकनिक आए हैं मामा घर। सो यहाँ से व्यू देखे रिसोर्ट का। यहाँ रहने का जगह है, ठीक है। अब रात को आके रुक सकते हैं। छोटा कमरा, छोटा छोटा बना हुआ है ताबू जैसा। तो देखने लायक बहुत कुछ है यहाँ पर। तो और जंगल के मतलब नज़दीक बना है, एकदम से यहीं से जंगल स्टार्ट होता है। तो आप समझ रहे हो इस एडवेंचर्स कैसा होगा। एक एडवेंचर्स प्लस है। और सामने हाय हाय ये नदी देखो, छोटा सा ही है, लेकिन जो फीलिंग्स आएगा ना, जो मज़ा आएगा, वो तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और आप लोग घूमने का शौकीन है तो आप आ सकते हैं। ये देखो इधर का रिसोर्ट है ये। सो इधर से हम लोग घूम सकते हैं, देखने लायक बहुत कुछ है। तो रात को रुक सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से रास्ता है। सब उनका पेड़ पौधा लगा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आग जल रहा है, ठीक है। आप लोग रात को यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से। सो ऐसा कुछ है नहीं। सो इधर ताबू है छोटा मोटा। सो इधर ये देखो नदी, थोड़ा सा इधर देखो, सब लोग पिकनिक के लिए आए हुए हैं। ये बहुत ही बढ़िया एक पिकनिक इस पर बन चुका है, बेल पहाड़ी के सामने। सब लोग पिकनिक कर रहे हैं। और ये रिसोर्ट है, बाहर से लोग आता है ना, जो कलकत्ता से बंगाली लोग इधर रुकते हैं रात को। मस्त जगह है यार, देख लो आप लोग। यहाँ बैठने के लिए गद्दा वगैरह रखा हुआ है, तो ठीक है लगभग। और लोग आके आराम से बैठ सकते हैं। ये कुर्सी कुछ इस तरह का है डिजाइन। जंगल का मज़ा है, ठीक है। और रिसोर्ट है ये, बहुत बढ़िया है। सो आप लोग ठीक है घूम सकते हैं। ऊपर भी है यार एक, अगर उधर फिलहाल तो नहीं जाएंगे, पिकनिक करने आए हैं। सो ये जो ताबू देख रहे हैं छोटा, आप यहाँ पर राख रुक सकते हैं। एसी लगा हुआ है घर में, ठीक है। और देख सकते हैं हम लोग छोटा छोटा, एक दो तीन चार पाँच छः, बहुत सारे हैं। ऊपर भी है और बड़ा वाला घर भी है, अगर रात को आप रुकने अच्छा घर चाहिए तो। मज़ा इसमें है। और उधर ताबू घर खटाए। सो ये सालवाड़ी रिसोर्ट है। बाहर से लोग आए हैं कुछ, देख लो व्यू देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। आप जैसे देख सकते हो, यहाँ खेती के लिए खेती भी किया जा रहा है। फूल गोभी लगाया गया है, और भी थोड़ा बहुत गार्डन या फार्म हाउस टाइप किया गया है। तो अभी तो ये नया बना है, अगले कुछ दिनों में ये और भी निखर के आएगा। जो व्यूज हो गए तब बहुत ही और भी अच्छा होगा। ये जो बाहर से टूरिस्ट लोग आए हैं, ये उन लोगों की गाड़ी है जो यहाँ पर फिलहाल रखा गया है। पार्किंग एरिया है, और ये पूरा व्यू है सामने की। तो हम लोग घूम लिए सालवाड़ी रिसोर्ट, ठीक है। इधर का देखो एक बार फिर से, और इधर का एक नदी है नीचे छोटा सा। बहुत मज़ा आएगा, मतलब लोकेशन जो है ना, एकदम बहुत बढ़िया है। तो सामने जंगल है, जंगल जस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जंगल के सामने देखो नज़ारा, देखो कैसा होगा। नेचुरल जो ब्यूटी है ना इधर से, उधर आगे रोड है, उधर आप लोग दिख रहे हैं कि नहीं, उधर आगे रोड है, ठीक है। वो गेट है दरवाजे उधर रोड से मिलते हैं, और एक रास्ता है उधर, जो मेन गेट है उधर है। तो ये नदी है, और अभी नया बना है, ठीक है। जो पेड़ पौधे छोटा वगैरह बना रहा है, आगे कुछ और दिनों के बाद में जब 5-6 महीना और हो जाएंगे, तो मतलब ये नज़ारा और ज़्यादा खिलेगा। आप लोग और भी बढ़िया तरह के देखेंगे। यहाँ पर रह सकते हैं आप लोग, जैसा कि बताया पहले भी।
तो बहुत सारे लोग आए उधर, पिकनिक भी कर रहे हैं लोग। आप लोग कैमरा में नहीं दिखेंगे लेकिन चलो बढ़िया जगह है, तो हम लोग अभी जाएंगे जहाँ पर लोग पिकनिक कर रहे हैं वहाँ पर। तो खाना वगैरह शायद 1:30 बज रहे हैं, खाना वगैरह अगर रेडी हो गया है ना तो फिर हम जाएंगे खाना खाएंगे, हो सकता है फिर एक बार आऊँ। ठीक है, तो फिलहाल तो पिकनिक स्पॉट की ओर चलते हैं जहाँ पर हम लोग पिकनिक कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से जाते हैं हम लोग। अभी हम लोग रिसोर्ट से बाहर आ गए हैं हम लोग जा रहे हैं अभी पिकनिक स्पॉट की ओर। चलो आप लोगों को दिखाते हैं, चलो पिकनिक स्पॉट। और पीछे का नज़ारा देखो, पूरा जंगल का बगल में रास्ता है, थोड़ा बहुत ज़मीन भी है लोगों का जहाँ पर खेती वगैरह करते हैं। अभी धान का खेती हो रहा है, ठीक है, अभी धान उठाया भी नहीं है तो बिल में अभी खेत में ही है, फिर घर अभी ले जाना बाकी है उन लोगों का। और ये देखो लोकेशन, पानी वगैरह। तो पिकनिक स्पॉट की ओर आप लोगों को ले चलते हैं, कैसा है खाना वगैरह बना है कि नहीं बना है देखते हैं, फिर बातें करेंगे, क्या बोलते हैं आप लोग। चलिए फिर। तो अभी और कुछ लोग आए हैं। सो गाइस ये देखो, ये लोकल है गांव के बच्चे, ऐसे हम भी लोकल ही हैं। तो इधर भी पिकनिक हो रहा है। सो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, धुआं उठ रहा है उधर। चलो फिर लोगों को छोड़ते हैं फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही तक था। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट।